गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों, वेलकम टू ए न्यू सीजन ऑफ सहकार सूत्र, आवर सीरीज ऑन मैटर्स पर्टेनिंग टू कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। दोस्तों, लास्ट सीजन के बाद हमें जो प्रश्न लोग पूछ रहे हैं या सजेशंस दे रहे हैं, तो उन्होंने काफ़ी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया है कि आप हिंदी में भी बात कीजिए, तो इसलिए हम इस साल इंग्लिश लैंग्वेज का उपयोग करेंगे। थोड़ा भाग हिंदी में रहेगा, थोड़ा एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में रहेगा। तो चलो, आज के इस नए सीज़न के नए एपिसोड में पहला जो सब्जेक्ट हम हैंडल करने वाले हैं वो सेक्शन 154B/23(1), ये नया सेक्शन जो MCS एक्ट में अमेंड करके लाया गया है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और ये सब्जेक्ट है, ब्रोकर्स कैन नॉट बिकम मेंबर्स ऑफ द मैनेजिंग कमिटी ऑफ एनी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये जो सेक्शन है वो क्या कहता है, तो ये सेक्शन कहता है, नो मेंबर शैल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड और कोऑप्टेड फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमिटी ऑफ द हाउसिंग सोसाइटी ऑफ विच ही इज ए मेंबर। इसका मतलब, अगर कोई आदमी ब्रोकर का व्यवसाय करता है, रियल इस्टेट एजेंट का व्यवसाय करता है, तो उस आदमी को कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी के इलेक्शन लड़ने की पाबंदी है। वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ना ही उसे बाद में अपॉइंट किया जा सकता है या कोऑप किया जा सकता है या मैनेजिंग कमेटी पे नॉमिनेट किया जा सकता है। इसकी वजह यही है कि देर इज़ ए क्लैश ऑफ इंटरेस्ट उसके व्यवसाय में, और वो जिस हाउसिंग सोसाइटी का मेंबर है तो वो उस सोसाइटी में अगर व्यवसाय करता है और फ्लैट बेच के या खरीद के या सबलेट करके कमीशन कमाता है, पैसे कमाता है, तो ऐसे मेंबर को कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी के ऊपर रहने के लिए मनाही है। दोस्तों, काफ़ी सोसाइटीज़ होती है जो इसका पालन नहीं करती है। काफ़ी लोग भी होते हैं, जब मैं कोई टॉपिक उठाता हूँ तो बाद में मुझे लिखित स्वरूप में क्वेश्चन आंसर्स में ट्रोल करते हैं या चैलेंज करते हैं। तो दोस्तों, मैं ये साफ कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि मेरी ये जो सीरीज़ है और मैं जो आपको नॉलेज दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो सिर्फ उन्हीं सोसाइटी मेंबर्स के लिए और मैनेजिंग कमेटी के लिए है जो सोसाइटियाँ या जो मैनेजिंग कमेटियाँ कायदे के दायरे में रह के काम करना चाहती है और कानून के दायरे में रह के काम करना चाहती है, कायदे का पालन करना चाहती है। तो उन्हीं सोसाइटी के लिए ये मेरा सीरीज़ है, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये मेरा गाइडेंस है। जो ओवर स्मार्ट लोग होते हैं, जो कानून के दायरे के बाहर जाके हम कुछ भी करेंगे, हम चुन के आए हैं तो हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसी मनस्थिति लेके जो काम करते हैं, उनके लिए मेरी ये सीरीज़ नहीं है। पर दोस्तों, मैं आपको एक कहना चाहता हूँ, काफ़ी मेंबर्स सोसाइटी के मुझे कंप्लेन करते हैं कि मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स उनकी कैसे सुनते नहीं हैं या उन्हें मिसगाइड करते हैं या उनका इंसल्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये आपके ऊपर नौबत इसीलिए आती है क्योंकि आप सोए हुए रहते हो, आपका कायदे का नॉलेज कम पड़ता है, या तो आप आपका मेंटेनेंस टाइम पे नहीं भरते होंगे तो आप डिफ़ॉल्ट में रहते हो, तो आपको सुनना पड़ता है। अगर कोई आदमी अपना मेंटेनेंस टाइम टू टाइम भरता है और सोसाइटी के बाकी सब नियमों का पालन जनरली वो करता है, तो उसे कोई भी मैनेजिंग कमेटी मेंबर, चेयरमैन से लेके ऑर्डिनरी मेंबर तक होए, वो उसका इंसल्ट करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। वो मेंबर कैन ऑलवेज गिव बैक बाय कंप्लेनिंग टू द रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ अबाउट द मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स बिहेवियर। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जैसे जैसे ये सीरीज़ आगे बढ़ेगी तो हम हर सब्जेक्ट पर अलग अलग सोसाइटीज़ की हमें जो इन्फॉर्मेशन है उनकी केस स्टडी लेंगे कि कैसे कुछ सोसाइटियाँ ब्रोकर्स को मैनेजिंग कमेटी के ऊपर अपॉइंट करती है, या तो मिसरिप्रेजेंट या तो फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन करके
कैसे उनको इलेक्शन में लड़ाती है, कैसे वो इलेक्शन ऑफिसर्स के आंखों में धूल झोंकना चाहती है, या तो कैसे वो बायलॉस का रिपीटेडली ऑफेंडिंग करते हैं। ये हर एक एक एपिसोड में हम आगे चल के केस स्टडीज लेते जाएंगे, मैं आपको बताते रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मेरे इस चैनल को आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और आपकी कुछ भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। अभी अगले एपिसोड तक मैं आपको गुड बाय कहता हूँ। शबा खैर।